सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं चीज़ी फ्रेंच फ्राइज। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप कच्चे आलू लीजिए, उसको छील कर उसको लंबे लंबे पीसेस में कट कर लीजिए और इसको धोकर एक टोकरी में रख दीजिए, इसका पानी निकल जाए। अब आप कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें लीजिए और उसको गैस पे रख दीजिए, पानी में बॉयल आने दीजिए। आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो आप इसमें जो हमने आलू कट करके रखे थे वो डाल दीजिए। और इसको एक बार हिला दीजिए। और इसमें बॉयल आने दीजिए। जब बॉयल आ जाए तो आप आलू को एक छलनी में निकाल लीजिए। आलू को ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का ही पकाना है। और इसका पानी निकाल दीजिए एक्स्ट्रा। जब इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए तो आप इसको एक बाउल में निकाल लीजिए। और इस पे कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। आप स्पून भी ले सकती हैं, हाथ का भी यूज़ कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा आलू उबले हुए हैं, इसीलिए ध्यान से मिक्स करिएगा। अब आप एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें ऑयल गरम कर लीजिए और जो आलू पे हमने कॉर्नफ्लोर लगा के रखा था वो डाल दीजिए और इसको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लीजिए। जब आलू फ्राई हो जाए, हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसको एक प्लेट निकाल लीजिए। अब आप एक पैन ले लीजिए, उसको गैस पे रख दीजिए। और गैस को ऑन कर लीजिए। गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा। अब आप इसमें बटर डाल दीजिए और मैदा डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको एक से डेढ़ मिनट के लिए भून लीजिए। अब आप इसमें दूध डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप इसको लगातार चलाते रहिएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा, इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। अब आप इसमें नमक डाल दीजिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें चीज़ को ग्रेट करके डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप किसी भी कंपनी का चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जब चीज़ दूध के साथ मेल्ट हो जाए तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
और अब आप गैस को बंद कर दीजिए। अब जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे उसको एक प्लेट में डाल लीजिए और इसके ऊपर जो हमने चीज़ वाली सॉस बनाई थी वो डाल दीजिए और चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो भी डाल दीजिए। अब हमारे चीजी फ्राइज फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।